नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में, जिस खबर का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, शेयर बाजार के हर एक इंसान को इंतजार था। फाइनली वो चीज हो गई है, खत्म हो गई है। पूरी पॉलिसी, पूरी कमेंट्री शक्तिकांता दास जी की ओवर हो चुकी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया है वो सारी चीजें आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट आपको देना चाहता हूं। मार्केट काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है पॉलिसी पे। निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स की तेजी में है, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की तेजी में है, बैंक निफ्टी 270 पॉइंट्स ऊपर है और मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। आधे परसेंट से लेकर 1% की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। डेज हाई पे मार्केट खड़ा है पॉलिसी के बाद। पॉलिसी में क्या ऐसा हुआ जो बाजार को पसंद आ रहा है? अगर मैं एक सिंपल सरल भाषा में पॉलिसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो पॉलिसी में कुछ हुआ ही नहीं। पॉलिसी में ना कोई सरप्राइज, ना कोई शॉक। ऑलमोस्ट जो बाजार मान के चल रहा था एज इट इज पॉलिसी शक्तिकांता दास जी ने पेश कर दी। कुछ बदलाव नहीं, कुछ चेंज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाजार को अच्छा लगे या खराब लगे। फिर पॉजिटिव क्यों? तो भैया भाग हम इसलिए रहे हैं अपने आप क्योंकि हम टूटे हुए थे, तो भाग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको पॉलिसी बताता हूं, एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं आपके साथ। पहले तो इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 6.5% पे बरकरार है, अनचेंज, और 6 के 6 मेंबर तैयार है इसके लिए। और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था कि कोई बदलाव नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है जीडीपी और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन डाटा कैसे देख रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर शक्तिकांता दास जी की बात की जाए, जो कि आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने भारत के FY24 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का इन्फ्लेशन दिया है 5.4% पे। अगर बात की जाए क्वार्टर टू के इन्फ्लेशन का, तो क्वार्टर टू का इन्फ्लेशन दिया है लगभग 6.4%, यानी इस क्वार्टर में 6.4% का इन्फ्लेशन आ सकता है। क्वार्टर थ्री में ये इन्फ्लेशन घट जाएगा, 5.6% पे आएगा। दैट मीन्स आप मान के चल सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में महंगाई घटेगी, तो ये अच्छी बात है चलिए हमारे लिए, क्योंकि क्वार्टर टू तो निकल गया, जितनी महंगाई देखनी थी देख ली, अब महंगाई कम होगी। और उन्होंने बोला भी अपनी कमेंट्री में कि जो दाम बढ़े थे बीच में सब्जियों के वो घट चुके हैं। अगस्त में कूल डाउन हुआ है इन्फ्लेशन, और अभी सेप्टेम्बर में ज्यादा कूल डाउन होने की उम्मीद है। क्वार्टर थ्री में इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है 5.6% पे, तो ये अच्छी बात है। क्वार्टर थ्री के इन्फ्लेशन की बात की जाए तो क्वार्टर टू 6.4% है, क्वार्टर थ्री की बात की जाए तो 5.6% का अनुमान है। एंड Q4 की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, 5.2%। दैट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां आपके लिए महंगाई और कम होते हुए दिखेगी, तो अगले 6 महीने घर खर्च के हिसाब से सस्ते होने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है अभी के कंपैरिजन में। क्योंकि क्वार्टर टू तो निकल गया, जिसका अनुमान बढ़कर आया 6.4%, वो तो निकल गया, आपने देख लिया वो जितना भी था, ठीक है। अब आपके लिए क्वार्टर थ्री का इन्फ्लेशन 5.6% है, क्वार्टर फोर का 5.2% है, तो ये एक अच्छी चीज दिख रही है। वहीं Q1 FY25 की बात की जाए तो 5.2% पे ही सिमिलर है, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून का भी कोई बड़ा मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है महंगाई में, ऐसा अभी के हिसाब से डाटा बता रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज दिख रही है। महंगाई घटते हुए दिख रही है, तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। वहीं जीडीपी के अनुमान की बात की जाए तो FY24 में क्वार्टर टू जो अभी निकला है उसमें 6.5% का अनुमान है और इन्फ्लेशन 6.4% का। That means हम overall net net 0.1 ऊपर ही रहने वाले हैं, positive है, तो ये अच्छी बात है। Quarter 3 में 6% का अनुमान है और inflation 5.6%, यानी 0.4% हम plus में, तो ये बहुत अच्छी बात है। Quarter 4 में देखा जाए जो GDP का अनुमान है वो 5.7% का है, वही inflation 5.2% है। That means हम 0.2% यहाँ भी positive है, तो overall economy तो positively ही trade करते हुए दिख रही है, ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। आगे बात की जाए Q1 FY25 में जीडीपी का अनुमान 6.6% का है और इन्फ्लेशन 5.2% है, 1.4% प्लस जीडीपी का अनुमान है, तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एमपीसी के सर्वसम्मति से ब्याज दरें 6.5% तक रखी गई हैं। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख की वापसी के पक्ष में है। पॉलिसी का फोकस महंगाई को 4% के लक्ष्य तक लाने पर है, जो 5.2% 5.6% और करंटली 6.4% है, उसको 4% पे लाने का लक्ष्य है महंगाई को, ये आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट आई है।
ग्लोबल पॉलिसी दरें पीक हुई हैं लेकिन लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। आप हमारी बात करो या दुनिया भर में किसी कंट्री की, रेट हाइक ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, बट हाईएस्ट लेवल पे चलने का ये मतलब नहीं है कि यहां से गिरने लगेंगे, ये यहीं बने रहेंगे लंबे समय तक, अनचेंज्ड ये पॉलिसी आपके लिए आती रहेंगी। जीडीपी के अनुमान में कोई बदलाव नहीं रखा है, तो ये अपने आप में बड़ी और इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं मैं, FY 24 का CPI इन्फ्लेशन 5.4% है, FY 25 का 5.2% का है। अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल कर्ज देने में करें बैंक, ये बैंकों को सुझाव दिया गया है RBI की तरफ से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर RBI का पूरा ध्यान है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आप बैंकों से फ्रेश लोन वगैरह बांट रहे हो वो कोशिश करो कॉर्पोरेट्स को बांटो, यानी बिजनेस के लिए वो यूज करें पैसा, सेल्फ फंडिंग मत करो, यानी कि किसी को पर्सनल यूज के लिए पैसा मत दो। वो क्या हो सकता है कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो वो डिफॉल्ट आ जाएगा, तो ये सारी चीजें भी RBI की तरफ से कही गई है। होप आपको ये पूरी वीडियो जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।